इसमें ऐड कर दिया तो इक्वल टू किसके होगा, इसके इक्वल होगा। तो ये यहाँ पे राइट करें x रेस्ट टू द पावर 97 माइनस x रेस्ट टू द पावर 73 प्लस 2x³ माइनस 3। एक्स रेस्ट टू पावर 97 माइनस एक्स रेस्ट टू पावर 73 प्लस 2x³ माइनस 3, ये अपने पास रहेगा फ्रेंड्स। आगे बढ़े, देखिए ये रहेगा तो ऐसे बनेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, अब अपन को क्या क्या पुट करना है। देखो यहां से इसको जब जीरो के इक्वेट करते हैं अपन इस वाले को, तो अपने को फर्स्ट में क्या मिलेगा, एक्स इजिकल टू जीरो, एंड क्या मिलेगा, एक्स इजिकल टू वन, एंड क्या मिलने वाला है, एक्स इजिकल टू माइनस वन। पुट करते जाए बस, एक्स इजिकल टू जीरो पुट किया तो ये पूरा जीरो हो गया, ठीक है, ये वाला पूरा जीरो हो गया, यहां जीरो जीरो क्या बचा, सी इज इक्वल टू जीरो 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 माइनस थ्री, तो सी इज इक्वल टू डायरेक्ट अपने को मिला माइनस थ्री। ये क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स, क्यों पुट किया, क्यों इसको जीरो के इक्वेट करें, जीरो वन एंड माइनस वन होगा, अपन रिमाइंडर निकालेंगे। अब जीरो पुट करने पे ये पूरा जीरो, ये वाला जीरो हो जाएगा, सी रहेगा जीरो 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 माइनस थ्री, तो सी इज इक्वल टू माइनस थ्री। आगे बढ़ते हैं, सी जी एक्स इजिकल टू क्या पुट करते हैं, वन। क्यों पुट करते हैं, क्योंकि इसको जीरो के इक्वेट करा तो ये तीनों अपने पास आए। वन पुट किया तो फ्रेंड्स देखे क्या आया, एक्स इजिकल टू वन पुट करने पर यह जीरो हो गया, ये क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस सी क्या था अपना, माइनस थ्री। पुट कर दे साथ में, सी माइनस थ्री था, पुट कर दिया मैंने, एक्स को वन पुट किया, ए प्लस बी एंड सी हो गया माइनस थ्री, यहां से इज इक्वल टू वन माइनस वन प्लस टू माइनस थ्री। क्या हुआ फ्रेंड्स, वन माइनस वन, वन पुट किया अपन, टू माइनस थ्री ये कैंसिल आउट हो गया, यहां से माइनस वन रहा, तो ए प्लस बी जब थ्री उधर जाएगा और उसमें से माइनस वन सब्सट्रैक्ट होगा तो क्या बचेगा, टू। ये इक्वेशन होगी फर्स्ट, तो ए प्लस बी एंड थ्री उधर गया तो ये माइनस वन, थ्री में से माइनस वन हुआ तो क्या बचा, टू। ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। आगे बढ़ते हैं x इजिकल टू माइनस वन पे, x इजिकल टू माइनस वन पे बढ़ते हैं, तो इसको माइनस वन पुट करने पे ये पूरा क्या हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। यहां माइनस वन पुट करा तो क्या हुआ, देखो a, ये x स्क्वायर a हो गया, ये क्या हो गया माइनस बी, सी क्या था माइनस थ्री। देखना फ्रेंड्स, माइनस वन पुट करने पे ये पूरा जीरो हो गया, यहां पे माइनस वन पुट किया तो एक्स स्क्वायर यानी ए हो गया, यहां माइनस वन पुट किया तो माइनस बी हो गया, सी माइनस थ्री था, इजिकल टू वहां माइनस वन पुट किया तो ये हो गया माइनस वन, यहां माइनस वन पुट किया तो प्लस वन, यहां माइनस वन पुट किया तो माइनस टू एंड माइनस थ्री। ये हुआ फ्रेंड्स, तो ये हो गया ए माइनस बी इज इक्वल टू थ्री, एंड ये माइनस वन ये कैंसिल आउट हो गया, ये माइनस फाइव था तो थ्री एंड माइनस फाइव यानी क्या हो गया माइनस टू, तो ए माइनस बी इज इक्वल टू माइनस टू, ए माइनस बी इज इक्वल टू माइनस टू। ये हो गई इक्वेशन नंबर टू। अब फर्स्ट एंड टू को अगर एड कर दिया जाए डायरेक्ट, यहीं से देख लो, बी से बी कैंसिल आउट होगा तो 2a इज इक्वल टू क्या मिलने वाला फ्रेंड्स, जीरो, यानी a इज इक्वल टू जीरो। a जीरो हुआ तो b क्या मिला, यहां पे a को जीरो पुट किया तो b हो गया यहां से डायरेक्ट टू, तो b टू हो गया, a जीरो हो गया, एंड c क्या हो गया, c माइनस थ्री हो गया। तो फ्रेंड्स अपना rx क्या हो गया, rx था अपना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, rx था अपना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये था, a को जीरो पुट किया, b को टू पुट किया तो अपना आर एक्स हो गया फ्रेंड्स टू एक्स माइनस थ्री, बी टू था, c माइनस थ्री था, a जीरो था, तो टू एक्स माइनस थ्री। ये आया फ्रेंड्स अपना आर एक्स, और अपने को क्या फाइंड आउट करना है, अपने को फाइंड आउट करना है आर टेन प्लस आर फाइव। तो देखिए फ्रेंड्स यहां पे आर एक्स अपने को फाइंड आउट करना है, आर एक्स क्या हुआ, आर टेन फाइंड आउट करना है सॉरी, तो आर टेन क्या होगा, आर टेन होगा ट्वेंटी माइनस थ्री यानी सेवनटीन, एंड R5 क्या होगा फ्रेंड्स, R5 होगा अपने पास यहां पे पुट किया 10 माइनस थ्री इज इक्वल टू सेवन, तो R10 प्लस R5 ये क्या होगा फ्रेंड्स 17 प्लस 7, ये क्या होगा 17 प्लस 7 होगा आपके 24, तो आंसर क्या होगा फ्रेंड्स अपना 24, 17 प्लस 7 यानी 24 ये आंसर होगा। नोट डाउन करें फ्रेंड्स, मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, पी एक्स इजिकल टू एक्स क्यूब प्लस टू के एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस वन वेन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन एंड एक्स माइनस वन देन हैव सेम रिमाइंडर। कहने का मतलब जब इसको एक्स प्लस वन से एंड एक्स माइनस वन से डिवाइड किया जाता है तो अपने पास रिमाइंडर क्या आएगा फ्रेंड्स, रिमाइंडर आएगा अपने पास सेम रिमाइंडर आएगा। कैसे, देखो एक्स प्लस वन से इसको डिवाइड करें, एक्स प्लस वन से डिवाइड करेंगे तो फ्रेंड्स अपन क्या करेंगे, देखो अपन क्या करते हैं, इसको जीरो के इक्वेट करते हैं तो एक्स इजिकल टू क्या आएगा माइनस वन, इसको जीरो के इक्वेट करोगे तो एक्स इजिकल टू क्या आएगा प्लस वन। चलो नेक्स्ट, पी ऑफ माइनस वन इसको डिवाइड करेंगे इससे रिमाइंडर क्या होगा पी ऑफ माइनस वन, इसको डिवाइड एक्स माइनस वन से करेंगे रिमाइंडर क्या होगा पी ऑफ वन,
कहने का मतलब क्या हुआ, p माइनस वन पी ऑफ वन ये क्या होगा, इक्वल होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। करें माइनस वन पुट करें, ये हो गया देखो आपके पास माइनस वन, ये हो गया प्लस, माइनस वन पुट किया टू के, एंड ये हो गया माइनस के प्लस वन इज इक्वल टू वन पुट किया, वन पुट किया तो वन प्लस टू के प्लस वन, ये हुआ फ्रेंड्स। तो देखो ये कैंसिल आउट होके अपने पास क्या बचा, के वन एंड माइनस वन कैंसिल आउट इज इक्वल टू, यहां पे देखो क्या बचा थ्री के, वन एंड वन क्या हो गया टू, ये इधर आया माइनस टू के इज इक्वल टू टू, यानी के इज इक्वल टू माइनस वन। तो बहुत ही आसान था फ्रेंड्स, के इज इक्वल टू माइनस वन, सिंपल। इसको डिवाइड करना था तो रिमाइंडर निकालना, इसको जीरो के इक्वेट किया माइनस वन आया, इसको जीरो के इक्वेट किया वन आया, तो रिमाइंडर क्या होगा इसको डिवाइड करने पे p ऑफ माइनस वन होगा, इससे रिमाइंडर क्या होगा p ऑफ वन होगा, दोनों को इक्वेट किया वैल्यू पुट की सोल्व किया आंसर माइनस वन। नोट डाउन करें,